सही तो जा रहे हैं ना? नहीं, रॉन्ग जा रहा। पहले गर्मी बहुत ज्यादा, तो हालत वैसे ही खराब। और बिल्कुल है, ये रियलिटी ऐसी। कल रात का खाना खाया हुआ तो पहले मैं रीस उतर बचे हुआ। अभी कैमरा भूल जाते, इसके बिना क्या करेंगे। अभी तो उतर पे समय तो गर्मी कम हो जाएगी। यार देख लो, मेरे को तो भूल गया हूँ। किसी को याद है क्या कि यही रास्ता था वो वाला? नहीं, डाउट हो रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। मुकेश भी डाउट हो रहा है यार, ये बंदा मतलब वहाँ पे जाने क्या बात थोड़ा बदल गया। ये मेरी किराना की दुकान आ रही है वहाँ पे। लेंगे तो ये लोचा है भाई, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई आपके दिमाग में? नहीं नहीं, वो मेरी टैक्सी भी आ रही है। ओहो, देखो नहीं दिखेगा, बहुत दूर है। इसका लेंस वाइड एंगल वाला है ना, तो ज्यादा दूर की चीजें ज्यादा दूर से दिखती है, तो वैसी नहीं दिखती है। तारा गर्मी का नशा है। बनाया मतलब यहाँ पे कमरा भी बनाया भाई, जाके सो जाओ तो अभी चला जा। गर्मी है ना, ताबड़तोड़ गर्मी है। मतलब 2 किलोमीटर चलना पड़ जाए तो आपकी हवा अच्छी खासी निकल जाती। अभी तो मेरी निकल गई यार। पीछे टेम्पो आ रहा है, इसको हाथ लगा के लगता है इसके साथ बैठ के जाना पड़ेगा। मेरे तो शूज के अंदर पाउंड चल रहा है। अरे यार, बाहर तो दुनिया के चलते, झूठ बोल रहे हो। हकीकत में मेरा फोन भी बजता। कभी आइए इस देश में, इस गर्मी का मजा लेने। आदमी फेंकने से सक्सेस होता है भाई। फेंकोगे तो जियोगे, तो लोग खा जाएंगे कच्चा कच्चा। अरे 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 भाई भाई, बड़े हेवी ड्राइवर है भाई। मतलब यहाँ पे आके लोगों के इंजर पुंजर खुल जाते हैं, इनका दिमाग खुल गया। हाई पावर हीटअप, हाई पावर हीटअप इन जैसलमेर सिटी इज दिस स्टोन इज द गोल्डन स्टोन। वेरी गुड वेरी गुड। चाहता नहीं मैंने। माने अट दुकान लगा बेटा, धन्यवाद है ने बैठा है। मऊ तो बैठी चढ़ो, बैठनो छोड़ो, चलने ही दूर है। तावड़ो घणो पड़े पड़े, एड़ो के तावड़ो पड़े, मजदूरी तो करनी पड़े साहब। मजदूरी लीलाधर माड़ी सोलंकी, मैं हूं मोहित भरिया, अटी है मुकेश जी भरिया। ए बढ़िया जे, खेतपाल जी मंदिर है भैरू जीरो है ने, और ये तो आवे बार बार से लोग आवे। कितना साल पुराना मंदिर? ये तो जैसलमेर बसे साल रो है। वो साल रो नहीं, बसे तो नहीं वो साल रो मैं जन वो ही कम कम 700-800 साल आओ पुराना है ये तो। की है अपने जो अपने जिलमो है नी, जिलमो रहे अपने बच्चों हुए, बच्चे रही जात लगे, पसे पढ़ने तक अपनी जात लगती जाओ। हाँ, बच्चों जिलमे खेतपाल जी मंदिर है, अपने सात बहनों है, आठवों भाई है। बच्चा पैदा होता है ना, तब यहाँ पे हमारी वो यात्रा लगती है, मतलब घोई लगती है बोल सकते हो। इवन जब तक शादी होती है तब भी वहाँ पे वापस यही यात्रा लगती है, और ऐसी सिस्टम चलता रहता है। हर साल आपको आना पड़ता है दादा के दर्शन करने के लिए। सात बहनों, इनकी स्टोरी है आपको बता रहे, सुनवा। सात बहनों, एक भेरू है, ये पाकिस्तान से आए हुए है। अच्छा, यहाँ ये नदी है ना। अब बाप दादा पहले के कहा हुआ है, जबी तो हमको भी सुना हुआ है, हम आपको कह रहे हैं। ये समुद्र था तो ये अपन बैठे, ये भी समुद्र था। तो उधर पाकिस्तान में अत्याचार होता था, जब ये खेतपाल जी वो सात बहने थे, ये धर्म का भाई बना हुआ है। वहाँ राजा महाराजा था ना, उसमें अत्याचार होता था, तो सात बहनों का मतलब जैसे नंबर लगता था। पिताजी ने बोला कि आज क्या होगा, पता नहीं। वो बहनों बोले कि ऐसा ऐसा, जो बहनों रातों रात निकल गए, यहाँ से निकले तो समुद्र ने बोला कि मेरे को जगह दे। समुद्र ने जगह दी नहीं, फिर सातों ने पानी सकलंग भरा, दो ने भरा, तीनों ने भरा, तो समुद्र पूरा खाली हो गया। मतलब ये पूरा पानी। ये जो जमीन दिख रही है ना, वो बड़ा सा पहाड़, ये कोई समय में यहाँ पर समुद्र होया करता था। खेतपाल जी ना मेल बनाया, मेल का पुतला बन गया। तो बहनों ने बोला कि क्या ये तो आदमी हो गया, प्रकट हो गया, तो कल हम आप विलम्ब लगाई। तो उन्होंने फिर राखी से बांध के उसको भाई बना दिया। भाई बनाया तो बहनों ने बोला कि पहले भाई खाएगा, उसके बाद हम खाएंगे। तो अब पहले इनकी पूजा होती है, फिर उसकी होती है। यार इतनी स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता। भाई साहब आज मिले, एक्चुअली पता चला कि यहाँ की एक्चुअली स्टोरी क्या है। एक्चुअल में ये हकीकत बात, इसकी पूजा भी मैं भी पुजारी रह चुका हूँ कम से कम 4 साल। मैं भी पूजा की, 4 साल मैंने भी सेवा की। क्या बात है, चलो धन्यवाद, कमाल की बात। इन्होंने एक्चुअली जो स्टोरी हमको भी नहीं पता थी, मैं छोटा आज इतना बड़ा हो गया हूँ, छोटे बचपन से जब से पैदा हुआ आई थिंक तब से यहाँ पर ये दर्शन करने आते हैं, और हर साल। एक्चुअली में मुझे भी स्टोरी नहीं पता, भाई साहब ने सारी स्टोरी बता दी कि एक्चुअली स्टोरी इस भगवान की है क्या। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यार यहाँ पे आई, इतनी सारी स्टोरी पता चली और इतना सब कुछ एक्सप्लोर किया, खुश हो गया दिल। बहुत ही बढ़िया भैया ने बहुत ही अच्छी चीजें बताई, क्योंकि हमारे कुल देवता जी हैं पाल जी, और बिल्कुल है ये रियलिटी ऐसी। ये बिल्कुल रियलिटी है भाई, जिन जो मेरे भाई देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, उन सबको ये बात पता होगी। दिल से प्रणाम है दादा पाल जी का। व
वापस मंदिर पहुंच गए, अब यहाँ से फिर बुआ के घर पे पहुंचना है। यहाँ पे छोटी सी दुकान लगी हुई है और यहाँ पे ये भगवान जी का वापस से मंदिर आ गया है। तो अब यहाँ से वापस आगे घर पे, और ये हमारा रास्ता है, चढ़ाई जा रही है ऊपर, देख लीजिए चढ़ाई है यहाँ से। ये बड़ा बाग है। हाँ, एक मेन इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गया, यहाँ पे जो खेतपाल जी का मंदिर है ना भगवान का, तो इसको बड़ा बाग बोलते हैं, ठीक है ना। बड़े बाग के नाम से ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान के पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, और ये एकदम फैक्ट है। वहाँ से निकलने के बाद बीच में गर्मी इतनी ज्यादा होने लगी ना, हिम्मत नहीं थी वीडियो शूट करने की। वहाँ से निकल के अभी जस्ट घर पे पहुंचे, पानी पिया है, हवा चल रही है, बस रिलैक्स है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ी देर आराम करना है, देन उसके बाद खाना खा के जल्दी से यहाँ से निकल मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई साहब, कल रात का खाना खाया बहुत ज्यादा, अभी टाइम बज रही है 1:15, और खाना आ चुका है हमारे सामने, जरूर भूख लगी है। मके जी बाहर खड़े हैं, उनका वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे है घी रोटी, छाछ, आलू की सब्जी और रोटियां। तो मुकेश जी टूट पड़े, हम कैसी भूख लगी है? बहुत जोर की भूख लगी है, तो पहले खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब क्या भूख लगी थी ना, चूहे इतने खतरनाक वाले दौड़ रहे थे ना, मतलब जल्दी उठ के इधर निकल पड़े, फिर यहाँ से मंदिर चले गए, और वहाँ से इतना लंबा राउंड मार के घूम गया ना, फिर तो मतलब पूरी गाड़ी यार सी गई थी। अभी खाना खाया है देसी घर का, घी के साथ, आनंद ही आ। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 घंटे बिताने के बाद जैसलमेर से बुआ के घर से निकल रहे हम, खाना खा लिया यहाँ पे, मंदिर चक्के आ गए और फिर रेस्ट भी कर लिया, तब यहाँ से निकल रहे हैं वापस जोधपुर के लिए। तो फिर मिलते हैं, मैं रास्ते को पूरा एक्सप्लोर करते हुए। ओके जी, चले चले, आनंद आ गया। ये बुआ जी हमारे स्पेशल थैंक्स फॉर बुआ जी, तो सच में बहुत मजा आ गया। हम तो बोल रहे हैं बुआ जी कभी आओ जोधपुर घर पे, बुआ जी तो आते नहीं, अब क्या करें। तुम्हारे घर तो आ सको थे भाई, मुकेश से आप नाराज हो तो मुकेश के घर पे मत आओ, मेरे घर पे तो आ सकते हो ना। मुकेश तो भाई बुआ जी मुकेश से गुस्सा हो रखी है, तो बोल रहे हैं वैसे तो मेरी रीस उतरेगी नहीं, आप आओ यहाँ पे, मेरे बच्चों की शादी हो गई, शादी में वापस फिर से आना हमारे घर पे, तब मैं मान जाऊंगी, फिर कभी जोधपुर आऊंगी तुम्हारे घर पे। कोई बात नहीं भाई, करेंगे बुआ जी के लिए, बुआ जी करेंगे जरूर। हाँ हाँ भाई, थोड़े टावर ब्याह में तो क्या सर्वोप्रिय, फुल मजा आ गया यार। जर्नी भरा माहौल एकदम अच्छा होता है, कभी कभार जब घर से बाहर निकलते हो ना तो सब पीछे छोड़ के अलग ही माइंड होता है आप लोगों का, रिलैक्स भरा, जो मतलब कुछ पल लगता है कि आप अपने लिए जी रहे हो। मानिए कभी मेरी सलाह, मेरी नहीं खुद के दिल की मानिए, कभी निकलिए घर से बाहर, एक छोटी सी जर्नी को एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा फील होता है। चलते हैं यार, हम निकल रहे हैं, थोड़ी बुआ जी से डिस्कस हो रही है, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से चलने की तैयारी है, और ये हमारा नया नया ताजा भांजा बना हुआ है, गाड़ी से निकल नहीं रहा है। अब क्या करें भाई, तो निकल क्यों नहीं रहा है, तो साथ में चल रहे हैं हमारे, इसको लेके चलते हैं जोधपुर। चले पक्का? चलो।
नई गाड़ी ले आनी है। बताई ली तू फिर अभी कैमरा भूल जाते इसके बिना क्या करेंगे। अब जय श्री गणेश। फोन करे हाय।